प्रॉब्लम क्या है इस कोड में? प्रॉब्लम ये है, कंपोनेंट है रीयूजेबल नहीं है। सतीश, फोन मोबाइल लैपटॉप में नहीं चल पा रहा? एक काम करो, फिर उठ के आ जाओ, आप दोनों थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, तुम इसके साथ आके देख लो, मोबाइल में मजा नहीं आएगा। आपकी क्लॉक बेशक टिक टिक कर रही है, बट प्रोग्राम चले और वो सही हो ये जरूरी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, मुझे इसको रीयूजेबल बनाना है। मैं ये चाहता हूं मैं कहीं भी क्लॉक मुझे इस फाइल में, ठीक है, इंडेक्स जेएस, आगे चल के कोई और दूसरी जेएस होगी उसमें मुझे क्लॉक चाहिए, तो मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉम रेंडर, एक कंपोनेंट का नाम और घड़ी आ जाएगी, मुझे इतना चाहिए बस। रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब ही क्या होता है, कहीं भी यूज कर सकूं। ये रीयूजेबल क्यों नहीं है? सबसे पहले यहाँ जो रेंडर हो रहा है वो कोई कंपोनेंट नहीं है, वो एक एलिमेंट है, मतलब एक वेरिएबल है, ऐसे कह लीजिए, वेरिएबल नहीं है, कायदे से तो कांस्टेंट है, अब वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा, वो एक फंक्शन टिक के अंदर है, टिक हर एक सेकंड में कॉल हो रहा है। रिएक्ट ये कहती है कि रेंडर फंक्शन आपके प्रोग्राम में एक ही होना चाहिए, एक बार ही कॉल होना चाहिए, मल्टीपल रेंडर। जावा में जैसे मेन होता था, मल्टीपल मेन में प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे रेंडर यहां पे एक ही होना चाहिए। रेंडर एक है लेकिन हर सेकंड में रेंडर कॉल हो रहा है, मल्टीपल रेंडर्स नहीं हो सकते, जैसे मल्टीपल मेन नहीं हो सकते थे। प्रॉब्लम है, ये कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। हाँ, रेंडर को मुझे सेट इंटरवल से बाहर निकालना है, मुद्दा ही वो है, ठीक है, रेंडर को सेट इंटरवल से बाहर निकालना। लेकिन अगर रेंडर को सेट इंटरवल से बाहर निकाल दूंगा तो शायद ये घड़ी चलना बंद हो जाए। वो देखिए, एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड आ गया पीछे, बैठा नहीं मामला, क्योंकि एलिमेंट फंक्शन के अंदर डिफाइन था, मैं फंक्शन के बाहर आ गया हूँ, तो मजा नहीं आ रहा। ये आपने देख लिया, ठीक है, अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो है, जैसे इसकी जरूरत नहीं है, अभी आपका जो रेंडर हो रहा था वो था एक कांस्टेंट एलिमेंट, एक कांस्टेंट रेंडर हो रहा था, मैं एक पूरा पूरा कंपोनेंट रेंडर कराऊंगा। क्लॉक चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, आपकी इच्छा है, रेंडर कहाँ होना है वो सेम चीज है, रैपर नाम की आईडी में रेंडर हो जाए। प्रॉब्लम है, क्लॉक इज नॉट डिफाइंड, फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बना रहा मैं, यहाँ क्लास कंपोनेंट बना रहा हूँ, बिकॉज स्टेट क्लास कंपोनेंट में ही डिफाइन होगी, क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही डिफाइन होगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शनल कंपोनेंट में आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों आप पूछे क्लास कंपोनेंट? इस रीजन से हर क्लास रिएक्ट में एक्सटेंड करेगी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। कल किसी के प्रोग्राम में ये गड़बड़ी थी, ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक और सिंपलर अप्रोच ये हो सकती है, ठीक है, आपने क्लास कंपोनेंट तो बना लिया, ठीक है, कल हमने देखा था प्रॉप्स पास होती हैं, किसी भी कंपोनेंट को आप प्रॉप्स पास, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो एज अ प्रॉप मिलती है जावास्क्रिप्ट को, सॉरी रिएक्ट को। तो मैं यहां से अगर चाहूँ डेट नाम से एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, जिसमें जाएगा क्या, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन रिएक्ट में कर्ली ब्रेसेस में आते हैं, न्यू डेट, ये जा सकता है न्यू डेट। चूंकि आपका क्लॉक कंपोनेंट को आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्लॉक कंपोनेंट क्लास है, क्लास कंपोनेंट है, क्लास को जो प्रॉप्स है वो हमेशा उसके कंस्ट्रक्टर में ही मिलेंगी। क्लास के अंदर आप जावास्क्रिप्ट में क्लास के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनते, सी प्लस जावा में बनता था, चूंकि यहाँ वेरिएबल नहीं बना सकते, प्रॉप्स को पकड़ना तो एक वेरिएबल में ही है, वेरिएबल में पकड़ना है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर पकड़ सकते हैं, बाहर नहीं पकड़ सकते। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए और कुछ नहीं करना आपको, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट, वो जो डेट है वो प्रॉप्स के तौर पे मिल जाएगा। वनीला जेएस में हमने ये चीज देखी थी, जब भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी है, सुपर लगाइए, जो पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को प्रॉप्स मिल रही है वो एक बार सुपर को भी पास कर दीजिए, अगर पेरेंट रिएक्ट कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर को उससे कुछ काम करना है तो वो कर लेगा।
हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। तो कंपोनेंट तो एक बार के लिए ये हुआ, सॉरी कंस्ट्रक्टर तो मेरा ये हो गया, दैट्स इट। हालांकि फिलहाल इसमें काम करेंगे, ये अप्रोच सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है, मैं चाह रहा क्या रहा था, क्लॉक तो पहले भी चल रही थी, उसको हटाया कि हमने, वो रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं था। मैंने आपको बोला मान लीजिए कोई दूसरी फाइल है मेरे पास, मैं चाहता हूं मैं उसमें बस कंपोनेंट को कॉल करूं और मेरा काम हो जाए। कंपोनेंट को कॉल करने का मतलब होता है कंपोनेंट को कॉल करिए, सिर्फ ये, मैं उसे कोई प्रॉप पास नहीं करना चाहता है, मैं सिर्फ ऐसे कॉल करना चाहता। पर अगर डेट ही नहीं देंगे तो घड़ी टिक टिक कैसे करेगी? चालू कहीं से होने के लिए इनिशियल डेट तो स्टार्टिंग डेट तो देनी पड़ेगी ना, डेट ऑब्जेक्ट तो कॉल करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यस, डेट को एज अ प्रॉप पास ना करके एज अ स्टेट चलाएंगे। डेट जो यहां से न्यू डेट ऑब्जेक्ट जो पास किया था अभी वो पास हुआ एज अ प्रॉप। अब एज अ प्रॉप पास नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, अब आपको स्टेट चाहिए रहे। जब भी घड़ी चलेगी जो जिस इंस्टेंट पे आप पेज लोड करते हैं उसी इंस्टेंट से चलेगी। डेट ऑब्जेक्ट इनिशियली तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आइए अपने, आप सेट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट किसकी, क्लॉक कंपोनेंट की। क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल हमेशा दिस से बनते हैं, नाम कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं, स्टेट ले लीजिए, नाम चेंज नहीं कर सकते, स्टेट का स्टेट, प्रॉप का प्रॉप। क्योंकि क्लास कंपोनेंट है तो दिस डॉट स्टेट, अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता तो सिर्फ स्टेट आता। स्टेट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक प्रॉप इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। एक नाम ये आपकी मर्जी का हो सकता है, उसको हमने पास किया डेट ऑब्जेक्ट का एक नया इंस्टेंस। जैसे ही क्लॉक कंपोनेंट कॉल होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपके पास डेट ऑब्जेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा जिसका इंडेक्स रहेगा DATE डेट। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, बट अभी घड़ी आ जाएगी ऐसा होगा नहीं, कुछ तो एरर। हाँ फिलहाल वो भी नहीं दिखेगा, अभी उसको प्रिंट कहाँ कराया, रेंडर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है जाने दीजिए जो भी हो रहा है, चलने दीजिए जो भी ऐसा ही है। हाँ वो लगा देंगे अभी, रेंडर, रेंडर के अंदर रहेगा रिटर्न। करना क्या है, चलिए एक H1 बना लेते हैं। H1 के अंदर टाइम इज, यहां मुझे चाहिए रहेगा टाइम। पहले प्रॉप कॉल हो रहा था, अब स्टेट कॉल होगा, फर्क सिर्फ इतना सा है दिस डॉट प्रॉप लग गया, लग जाता अगर प्रॉप होता तो, स्टेट है तो स्टेट लगेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट डेट, ये डेट इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ DT होता तो यहाँ DT होता। डेट ऑब्जेक्ट में वो पूरा आता है, टाइम इंडिया GMT +5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, उससे मतलब ही नहीं है मुझे, मुझे तो सिर्फ आवर मिनट और सेकेंड और एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। कर सकते हैं, अननेसेसरी उसको क्यों लोड दे रहे हो, कर सकते हैं। स्टेट्स में कोशिश करें, स्टेट में और प्रॉप में जो नेसेसरी चीजें हैं सिर्फ वही डालें, करने को तो कर सकते हैं, मना नहीं। इनिशियल स्टेट आपकी लोड हो गई है पेज पे, जिस इंस्टेंस पे मैं इसको कॉल कर रहा हूं पेज को, वो स्टेट आ गई, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। और तब करना ये है, इस इनिशियल स्टेट को आपको चेंज कराते रहना है एट एवरी सेकेंड, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं बनाया मैंने, मतलब जैसे ही मेरा पेज लोड हो मेरी घड़ी चल जानी चाहिए, यहाँ पे हमें स्टेट को कॉल करने के लिए सेट इंटरवल वगैरह के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बटन होता तो बटन ऑन क्लिक पे काम कराते, वो ज्यादा इजी है, वो नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। लेकिन हो क्या, अभी तक क्या हो रहा है, हमने कहा है रिएक्ट को ब्राउजर के डॉम में रेंडर कीजिए क्लॉक कंपोनेंट, कहाँ वो बता दिया, क्लॉक
क्लॉक कंपोनेंट में हम गए, हमने कहा इनिशियली एक डेट सेट कीजिए जो कि उस इंस्टेंस पे जो भी डेट ऑब्जेक्ट होगा वो ले लेगा, उसके साथ टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर दीजिए ताकि उस डेट ऑब्जेक्ट में से आर मिनट सेकेंड ए एम या पी एम मुझे मिल जाए, टाइम इज जो भी जिस इंस्टेंस पे आपने इसको हिट किया वो टाइम आपको मिल गया, अब हमें सेट इंटरवल ही लगाना है। बात यह सेट इंटरवल कहाँ लगाऊं, बटन के क्लिक, अगर बटन होता तो बटन क्लिक पे लगा देता, चूंकि अभी यहाँ कोई बटन नहीं है, जो काम है वो कंपोनेंट के रेंडर होते ही हो रहा है फिलहाल के लिए। मैं ये कह रहा हूं जब मेरा कंपोनेंट कॉल हो तभी सेट इंटरवल चल जाए और हर एक सेकंड में इसको अपडेट करता रहे। अब ये मैं कैसे बताऊं जब मेरा कंपोनेंट कॉल हो, अभी यहां इनबिल्ट फंक्शंस का काम लेना पड़ेगा। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर एक ही होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर सेट इंटरवल के अंदर नहीं। दो फंक्शंस बनाए मैंने, जिस तरह से प्रॉप्स और स्टेट का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ये फंक्शंस का नाम चेंज नहीं होता। अब ये कर क्या रहे, कंपोनेंट डिड माउंट, जब भी आपका कोई भी कंपोनेंट आप रेंडर करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, उसे रिएक्ट में कहा जाता है वो कंपोनेंट माउंट हुआ है, रिएक्ट डॉम से ब्राउजर डॉम पे चढ़ गया है, बिल्कुल। इन फंक्शंस का एक पर्टिकुलर नाम है लाइफ साइकिल फंक्शंस, मेथड कुछ भी बोले। जब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है तब ये फंक्शन चलता है, अपने आप चलेगा, नाम चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं इसमें सेट इंटरवल चलाऊंगा। जब आपका कंपोनेंट रेंडरिंग उसकी बंद होती है, फिलहाल हमें बंद करने का काम नहीं है, लेकिन जब रेंडर बंद होता है तब ये फंक्शन चलता है, इसमें मैं क्लियर इंटरवल चला सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा कंपोनेंट हट रहा है तब मुझे घड़ी की जरूरत नहीं है। इनको लाइफ साइकिल मेथड्स कहा जाता है, यानी ये आपको कंपोनेंट में हमेशा मिलेंगे, यूज करने हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब है इनकी जगह अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं दे सकते। नहीं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं विल अनमाउंट को यूज ही नहीं करूंगा, दोनों को साथ में यूज करना जरूरी नहीं है, ये तो यूज भी नहीं होते। अगर बटन होता मेरे पास कि भाई बटन के क्लिक पे स्टार्ट करनी है, बटन के क्लिक पे स्टॉप करनी है, तो इनकी नीड नहीं रह जाती, क्योंकि बटन नहीं है तो यूज करना पड़ेगा। इसमें हम सेट इंटरवल चला देंगे, इसमें हम क्लियर इंटरवल चला देंगे। सेट इंटरवल दो आर्गुमेंट लेता है, दूसरा आर्गुमेंट आपको पता ही है क्या, एक सेकंड पे कॉल करना है, कॉल किसको करना है, इस फंक्शन को जो मैं यहां दे रहा हूं। फर्क देखिएगा, यहां पे नेम्ड फंक्शन टिक डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा मैं, बस तो टिक ही चलाना है। इस टिक को मैं चाहूं तो यहां डिफाइन भी कर सकता हूं, पीछे आपको दिख रहा है एरर आ रही है, टिक इज नॉट डिफाइंड, वो एरर गायब नहीं हुई है, ब्लैंक है लेकिन डिफाइन तो है, फिर वो क्यों कह रहा है अनडिफाइंड। चलिए एक बार के लिए अगर इसमें अपन रिटर्न भी लगा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट से हेलो वर्ल्ड, यस बिल्कुल अनडिफाइंड नहीं है, दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है रिएक्ट के, उसमें सेट इंटरवल के अंदर डायरेक्टली फंक्शन नहीं कॉल करना है, एक अनोनिमस फंक्शन बनाना है, वो टिक को कॉल करेगा, कहना ये अनोनिमस फंक्शन, एरो एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, नेम्ड फंक्शन मतलब बिना एरो वाला फंक्शन भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे, बिकॉज सिंस वी आर फेमिलियर विद एरो वी कैन इजीली यूज इट। टिक नहीं, क्लास के अंदर दिस डॉट टिक चलता है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, वनीला में नहीं लगाते थे, ठीक है। ओके, पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे, नहीं पैरेंथेसिस तो आने चाहिए, हाँ आएंगे पैरेंथेसिस, कंफ्यूज ना हो, पैरेंथेसिस आएंगे,
दिस डॉट टिक कॉल कर रहे हैं, हमने कहा हर एक सेकेंड पे वो कॉल होगा। आपको पता है क्लियर इंटरवल जो है आर्ग्यूमेंट लेता है, वो आर्ग्यूमेंट जो इंटरवल स्टार्ट हुआ था, यहाँ मैं क्लियर इंटरवल तो लगाऊंगा बट तो उसको आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा, तो इसलिए इसको एक आर्ग्यूमेंट में होना जरूरी है। कुछ भी कह लीजिए, इंटरवल के लिए मैंने इसको, क्योंकि मैं क्लास के अंदर हूं, दिस डॉट इंटरवल चाहिएगा, यहाँ पे वही दिस डॉट इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, घड़ी तो आ गई बट अगेन इनिशियल स्टेट ही आ रही है, क्योंकि टिक फंक्शन के अंदर आपको ये कहना है कि भाई हर एक सेकंड में उसको कॉल करो, या हर एक सेकंड में इस स्टेट को चेंज करो। रेंडर दोबारा कॉल नहीं करना है, मुद्दा ही वही था सारा, रेंडर दोबारा कॉल करेंगे तो रियूजेबल कंपोनेंट रह नहीं जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट तो बिल्कुल कॉल हो गई, यानी ये रेंडर तो हो गया। टिक के अंदर मैं कह क्या रहा हूं, ये वाला टाइम क्यों आ रहा है यहां पे, या अब जब मैं कह रहा हूं ये वाला टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट में जो था जिस इंस्टेंस पे आपने पेज लोड किया वो वाला डेट ऑब्जेक्ट है वो रेंडर हो गया। आपको करना ये है बस इसको चेंज करा दीजिए, रेंडर तो वो होता ही जा रहा है। ये थी इनिशियल स्टेट, आपको स्टेट चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है या सेट करनी है, तो लगता है क्या सेट स्टेट, अगेन नाम चेंज नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? सेट स्टेट एस कैपिटल, नाम चेंज आप नहीं कर सकते हैं, सेट स्टेट को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। नाम क्या दिया था, डेट, वही नाम दे दीजिए, न्यू डेट। चूंकि टिक फंक्शन हर सेकंड पे कॉल हो रहा है, सेट इंटरवल में कॉल हो रहा है ना टिक, हर सेकंड पे स्टेट में जो डेट वेरिएबल है उसको आप नया डेट ऑब्जेक्ट, उस सेकंड पे जो टाइम है वो वाला डेट ऑब्जेक्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। पर घड़ी चली नहीं है अपनी, क्या चल गई है, बात समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? एक बार रिकैप कर देता हूँ, प्रॉब्लम क्या थी, घड़ी तो पहले भी चल रही थी, पहले हमारे हाथ में था ये, मुझे किसी और फाइल में या मतलब होम पेज पे घड़ी दिखा दी, फिर अबाउट पेज पे भी घड़ी दिखानी थी, तो मैं इस कोड को दोबारा वहां लिख देता, लॉजिक तो दोबारा नहीं लिखना, फंक्शन का मतलब ही वो होता है, मैं सिर्फ इसको अगर लिखता तो वो नहीं चलती। ठीक है, मुझे ये भी वहां लिखना पड़ता, प्लस हर एक सेकंड में रेंडर को आप दोबारा कॉल कर रहे हैं, रिएक्ट कहती है रेंडर एक बार ही कॉल होना चाहिए जस्ट लाइक जावाज मेन, तो इन दो कारणों से ये नहीं चल रहा था, हालांकि घड़ी इससे भी टिक टिक हो रही थी। फर्स्ट थिंग हमने करी, रेंडर को इसके बाहर निकाल लिया था, आप देखेंगे हमारा जो कंपोनेंट है क्लॉक रेंडर उसके अंदर नहीं है, वो यहीं 28 पे बंद हो गया, रेंडर बाहर है। यहाँ जो रेंडर हो रहा है वो एक कॉन्स्टेंट रेंडर हो रहा है, एलिमेंट या वेरिएबल बनाते तो वेरिएबल रेंडर होता, हमने रेंडर कराया है एक बकायदा कंपोनेंट, कंपोनेंट अब फंक्शनल या क्लास कुछ भी हो सकता था, हमने बनाया है क्लास कंपोनेंट, क्यों, अगर यहां से प्रॉप पास करते तो आप फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते थे, हमने चूंकि यहां पे कुछ पास नहीं किया, स्टेट की मदद लेनी पड़ेगी, स्टेट्स आर ऑलवेज डिफाइंड इन अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास कंपोनेंट में, क्लास में क्लास बनाई, हर क्लास को एक्सटेंड करना ही होता है, वो कराया, कंस्ट्रक्टर बनाया, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर यानी कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, मैंडेटरी था कर लिया, फिर हमने बनाई एक स्टेट, हमने हाँ इतना सारा याद रखें, जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपनी क्लास में पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दीजिए, इस केस में हाँ आप प्रॉप्स को हटा दीजिए कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा काम एनीवेज चलता जाएगा कि हम प्रॉप पास नहीं कर रहे, ठीक है, बट पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना याद रखें। हमने कहा एक स्टेट बनाइए, इनिशियल स्टेट बनाइए, किसकी, डेट की, जिसमें होगा उस इंस्टेंस का डेट ऑब्जेक्ट, हमने उसे रेंडर भी करा दिया था, उसमें से आवर्स मिनट्स और सेकेंड एएमपीएम रेंडर करा दिया था, बट उससे स्टैटिक चीज यहाँ आ गई थी। फिर हमने कहा जब ये कंपोनेंट कॉल होगा, जब इसे जावास्क्रिप्ट रेंडर करेगी, हमें पता है ये फंक्शन चलेगा, आप ये करें
एक इंटरवल लगा दे उसमें, हर 1 सेकंड बाद टिक फंक्शन कॉल होता रहे। टिक में हमने बोला है जो इनिशियल स्टेट थी जिसमें डेट में ये था, उसको हर सेकंड पे नया डेट ऑब्जेक्ट देते रहें, बस हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पे ऐसा कोई फंडा अभी नहीं लगाया है कि किसी बटन के क्लिक पे इसको रोकना भी है या कब। तो ये जो फंक्शन है ये आप नहीं भी बनाते तो भी चलता, बट पता होना चाहिए जब किसी तरह आप इस कंपोनेंट को रोकेंगे तब ये अपने आप कॉल हो जाएगा, तो क्लियर इंटरवल चल जाएगा। टेक अवे यहां से क्या लेना है, स्टेट, इनिशियल स्टेट, सेट स्टेट, जो अभी नहीं हुआ है इसमें वो है यूज स्टेट, उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। यूज स्टेट भी होता है एक कि स्टेट की जो वैल्यू है वो उसे कहीं पे किस तरह से यूज कर रहे हैं, यहाँ हम चेंज कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे, दैट्स व्हाई सेट स्टेट। यूज स्टेट अभी काम नहीं लिया हमने। स्टेट क्लास कंपोनेंट, ठीक है, नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट, उसका कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें यहाँ। और सेट इंटरवल, सेट इंटरवल कैसे आप रिएक्ट में यूज कर सकते हैं, सेट इंटरवल भी ऐसे यूज होता है, सेट टाइम आउट भी यूज होता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस।